सौम जाहिरी है, रोजे का जाहिर है। तुलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब, खाने पीने और जमा से रुक जाना, ये सौम का जाहिर है, रोजे का जाहिर है। बातिन क्या है रोजे का? आंखें गुनाह देखने से रुक जाएं, कान गुनाह सुनने से रुक जाएं, जबान गुनाह चखने से रुक जाए, इसी तरह जबान गुनाह की बातें, चुगली, गीबत, गालियां, फिस्को फुजूर की बातें करने से रुक जाए, हाथ गुनाह करने से रुक जाए, किसी को तकलीफ पहुंचाने से रुक जाए, और पैर गुनाह की तरफ चलने से रुक जाए, अगर ये रुकना पाया गया रोजे की हालत में, तो ये रोजे का बातिन है। वो रोजे का जाहिर था, ये रोजे का बातिन है। अब आप एक सवाल करेंगे कि एक आदमी तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाने से रुका रहा, पीने से रुका रहा, जिमा से रुका रहा, लेकिन गालियां बकता रहा, झूठ बोलता रहा, गुनाह के काम देखता रहा, तो क्या रोजा टूट गया? मानता हूं कि गाली देने से गुनाह नहीं टूटा, ये रोजा नहीं टूटा। इसी तरीके से झूठ बोलने से रोजा बजाई नहीं टूटा, इसलिए कि जाहिरी रोजे के बारे में मैंने यह बताया कि तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने जमा से रुक जाना, तो उससे तो रुका हुआ है वो, तो गाली देने से रोजा टूट गया, फिस्को फुजूर बकने से रोजा टूट गया। हकीकत यह है कि जाहिर में तो रोजा है वो, लेकिन बातिन में वो रोजे से नहीं है, इसलिए कि रोजे की जो मानवीयत थी वो तो उसने खो दिया। अंडा होता है ना, अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाए तब भी खराब हो जाता है, टूट गया हो, जाहिर में खराब हो गया हो, अब उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एक है अंडा तो सामने रखा हुआ है लेकिन वो अंदर से बेअंडा हो गया है, अंदर से खराब हो गया है, तो अंडा गिरकर टूट जाए तब भी खराब हो जाता है, और अंडा सालिम दिखे लेकिन अंदर से बेअंडा हो जाए, अंदर से खराब हो जाए, तब भी तो खराब हो गया। दोनों सूरतों में अंडे को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जाहिरी तौर पर गिरकर टूट जाए अंडा खराब हो गया, अंडा सही सालिम दिखे लेकिन अंदर से खराब हो जाए तब भी तो अंडा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमें जिस तरह सौ में जाहिर की पाबंदी करनी है, हमें सौ में बातिन की पाबंदी करनी है, ताकि हकीकी सौम के इख्तियार करने वाले और अदा करने वाले हम बने।